गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ अपने छोटे छोटे आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉलियस प्लांट के बारे में, क्योंकि ये मेरे टेरेस पर बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैंने सुना है ये समर का प्लांट है, लेकिन मेरे यहाँ ये विंटर, फुल विंटर है इस टाइम, टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है और बहुत अच्छे से ये वुशी भी है, फैल भी रहा है, और मुझे लगता है इसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करती हूँ और मेरे टचवुड ये सभी जगह बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आपको मैं जो इसकी सिंपल जो टेक्निक है जिसको ग्रो करने की और इसका एकदम बुशी बनाने की, देखिए ये एक ही पॉट में, छोटे से पॉट में मैंने 3 वैरायटी लगाई हुई हैं। 2 ये लगी हुई हैं, एक ये मैरून कलर का है, एक ये शेडेड है, और एक वैरायटी मैंने ये लगाया हुआ है, इसमें नई कटिंग लगाई है, तो ये भी इसमें चल गया। ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तब मैं इसको एक बड़े कंटेनर में लगा दूंगी निकाल के। तो इसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखा है कि ये प्लांट उनका बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसके ख़राब होने का रीज़न होता है एक तो इसका सॉइल और एक पॉट का साइज़। अब ये देखिए मेरा एक ये बकेट में लगा हुआ है, दूसरा प्लांट में दिखाती रहती हूँ जो एक कंटेनर में लगा हुआ है, ये देखिए पूरा फुल बुशी है। ये एक ही प्लांट है और पूरा चारों तरफ से एकदम बुशी हो गया है। इस सिंगल प्लांट है, बस स्टार्टिंग करती हूँ जब मैं, तो इसका जो स्टार्टिंग का जैसे सब कुछ करिए, ये छोटा सा प्लांट है। अब मैंने इसको बढ़ने नहीं देती हूँ, यहीं से इसकी टिप को जो है कट कर दूंगी। कट करने के बाद में ये यहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी, फिर 2 से 4, 4 से 6, ऐसे करते करते जब ये बड़ा होगा तो ये काफ़ी बुशी हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने अपने प्लांट्स के को लगाया हुआ है। उगाना इसको बहुत ही आसान है, आप एक कटिंग लीजिए, कटिंग लेते टाइम बस ये याद रखना है कि नोड एरिया लेना है, यानी कि जो ये लीव्स आ रही है इसके जस्ट नीचे से लेना है। किसी शार्प चाकू से इसको कट करिए, कट करने के बाद इसकी लीव्स हटा दीजिए नीचे वाली, और कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिए। तो आपके पास कॉलियस के एक ही प्लांट से आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। मेरे पुराने वीडियोस जिन लोगों ने देखे उनको पता है मेरे पास कॉलियस कितना ज़्यादा है। पानी में ये बहुत अच्छे से प्रोपेगेट होता है, मेरा एक एक साल से प्लांट्स लगे हुए हैं, और अभी तो देखिए पानी के अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए इसमें आपको रूट्स नज़र आ रही होंगी, ये मेरे टेरेस पर ही रखा हुआ है पानी के अंदर, तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बाकी किचन में, घर में, सभी जगह रखे हुए हैं, और ये देखिए सभी इसकी बड्स पर फ्लावरिंग आने स्टार्ट हो गई है। इसका सॉइल बनाइए, सॉइल बनाना इसका मेन रहता है। इसके सॉइल में जो है पानी रुकना नहीं चाहिए, तो मैं जो सॉइल बनाती हूँ उसमें फ्रेंड्स मैं इसमें बहुत सारी लीव्स यूज़ करती हूँ, अपनी ड्राई लीव्स जो होती हैं मैं पार्क से बहुत सारी ले आती हूँ, और इसके कंटेनर में तकरीबन 5 इंच तक मैं 5, जैसे ये मेरा पूरा बकेट है, इसमें मैं तकरीबन हाफ जो है इसको ड्राई लीव से भर देती हूँ पूरा। नीचे होल्स हैं, होल्स में अच्छे से मैंने ब्रिक्स की एक लेयर बिछा कर 1 इंच, और उसके बाद मैंने हाफ बकेट इसको लीव्स, ड्राई लीव्स से भरा हुआ था, डीकम्पोज नहीं किया था, बस उनको थोड़े दिन पानी भर के जैसे छिड़क छिड़क के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें ये प्लांट लगाया, लगाते वक्त भी मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लीव्स भरूं, क्योंकि मेरा पहले का एक्सपीरियंस ये है कि लीव्स कंपोस्ट में कॉलियस बहुत अच्छा चलता है। मैं दिखाती हूँ आपको अपने सारे प्लांट जो मेरे इसी तरीके से लगे हुए हैं। ये देखिए पानी में ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है, लगाना बहुत ही आसान है। देखिए मैंने बता रही थी जैसे कि मैंने कटिंग लिया हुआ है, आज ही मैंने तोड़ा है इसको, और ये देख रहे हैं नीचे वाला, इसको कट करके ऊपर से भी आप चाहें तो ये लीव्स हटा सकते हैं। इन दिनों में ये इजीली लग जाता है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं नहीं हटाती हूँ इसको, आप कहीं भी सॉइल में लगा दीजिए। मैं बता देती हूँ जैसे लगाना, ये देखिए जैसे ये लगा हुआ है, ये 2 या 3 दिन में एकदम से इसकी लीव्स सही हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है, हल्का सा आप सॉइल को ढीला करिए और इसको लगा के और सॉइल को अच्छे से दबा दीजिए, और आपका ये एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो मेरे तो इस टेरेस पे बहुत सारे कॉलियस प्लांट्स हैं जिनको मैं अलग अलग लोगों को देती रहती हूँ गिफ्टिंग पर्पस से, बहुत अच्छा प्लांट है। आप अपने एक ही प्लांट से जितने चाहें उतने प्लांट्स बना सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे बने हुए रहते हैं एवरी टाइम, जो मैं अपने घर पर आने वाले लोगों को मैं गिफ्ट करती रहती हूँ।
और मैंने इसके ये कोकोडा में अभी बनाए हुए हैं, ये देखिए। इस प्लांट को मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, ये प्लांट जो है पूरा ट्री की तरह हो गया और उसको मुझे फिर से कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि अब ये झुकने लगा है। ये मेरा एक सब्जी वाली कैरेट में लगा हुआ है और ये भी सेम लीफ कंपोस्ट में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जितना लीव्स में उसमें लीव्स वाली कंपोस्ट में ग्रो करेंगे, आपका ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेगा। एटलीस्ट रूट रॉटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी और गलेगा नहीं, जैसे गल के ख़राब हो जाता है वैसे नहीं होगा। मेरे तो ये हर प्लांट में जहाँ भी मैं इसकी कटिंग लगाती हूँ वहाँ पर ये बहुत अच्छे से चलने लगता है। ये देखिए, जहाँ भी मैंने इसकी कटिंग लगाई है वहाँ पर ये एकदम वुशी हो जाता है। बस वुशी करना पड़ता है कि आप पिंचिंग करते रहिए, जितनी आप इसकी पिंचिंग करेंगे उतना ही ये प्लांट वुशी हो जाएगा और इसकी स्टेम जो है लंबी होकर नीचे से ख़राब नहीं होगी। अब जैसे ये देखिए, यहाँ से बस कुछ नहीं करना, टिप वैसे ऊपर से इसकी ये पिंचिंग करके हटा दीजिए तो ये यहीं की यहीं आगे जो है एक की दो, दो की चार, इस तरीके से आपके प्लांट्स वुशी होता चला जाएगा। अभी मुझे ये 3 वैरायटी की कटिंग्स मिली हैं किसी से, क्योंकि मैं सबको कॉलेज देती रहती हूँ तो मुझे ये इजीली मिल जाता है, अभी मिला है एक्चुअली। तो ये मैंने 3 कटिंग्स और रेडी किए हैं। ये मैंने अभी एक साथ एक जो कार्डबोर्ड वाला बॉक्स होता है उसमें लगाई हैं, अंदर वही लीफ कंपोस्ट भरा हुआ है और जैसे ये थोड़ा सा बड़ी हो जाएंगी, इनको मैं निकालने वाली नहीं हूँ इसमें से, इसको एज इट इज़ किसी बड़े कंटेनर में मैं रख दूँगी। धीरे धीरे करके ये हार्ड कार्डबोर्ड वाला जो बॉक्स है ये डिकम्पोज्ड हो जाएगा और प्लांट्स डिस्टर्ब भी नहीं होगा और एक ही पॉट में मेरे ये तीनों प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेंगे। इसका नेक्स्ट अपडेट मैं दूंगी जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कॉलियस लगाना बहुत आसान है, इजी टू प्रोपेगेट है। और रहा इसको जो मैं फीड कराती हूँ फर्टिलाइज़र, मैं कोई अलग से नहीं देती हूँ, जो जनरली सारे प्लांट्स को मैं देती हूँ अपने किचन कंपोस्ट वही इसमें डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अपने घर में अगर आपके पास फ्लावर्स के प्लांट्स नहीं है तो कॉलियस लगाइए। कोशिश करिए जितना लीव कंपोस्ट आपको मिल जाए या लीव्स मिल जाए, ड्राई लीव्स, उनमें आप इसको लगाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सिंपल केयर ट्रिप का तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे तो और लोगों को भी ये नॉलेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कॉलियस लगाइए अपने टेरेस पर, मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, जगह जगह लगा पड़ा है, आप लोग भी लगाइए और आपका गार्डन बिल्कुल कलरफुल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।